सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नई से नई वीडियो अपने मोबाइल पर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कि कौन कौन इस योजना को अप्लाई कर सकता है या कौन कौन इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकता है। शहर वाले और गांव वाले के बारे में, दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का बटन आपको वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होते ही सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस योजना को जो है अप्लाई आप जो है दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, जनसुविधा केंद्र के माध्यम से, और नंबर दो, एक इनकी वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट जिसको कहते हैं pmais.gov.in के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि जनसेवा केंद्र यानी कि जनसुविधा केंद्र के माध्यम से हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस न्यूज़ को पूरे ध्यान से आप सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी आवास योजना के लिए अब शहरों में रहने वाले गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दो प्रकार से ऑनलाइन आवेदन स्वीकारित की गई है। दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए किसी भी तरीके से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दो ऑप्शन उनको दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से। तो इस सुविधा केंद्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या क्या होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। शहरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र उम्मीदवार को अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र के यानी कि CSC, इसकी फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। योजना के लिए आवेदन करने के लिए कई प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होगी जो कि उम्मीदवार को पुष्टि के लिए साथ ले जाने होंगे। जरूरी दस्तावेज मैं आपको बता दूं तो कुछ जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं, आधार कार्ड का क्रमांक और एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी दस्तावेज में शामिल हैं जो आपको जो है जन सुविधा केंद्र पे ले जाने होंगे। योजना के आवेदन के लिए जन सुविधा केंद्र द्वारा 25 रुपये की फीस ली जाएगी, अन्यथा कोई भी पे आपको नहीं करना पड़ेगा। आवेदन के पश्चात हर एक आवेदक को एक अस्वीकृति रसीद दी जाएगी जिस पर आवेदक का फोटो होगा और आवेदक क्रमांक लिखा जाएगा। आवेदक क्रमांक हर एक आवेदक के लिए अलग अलग होगा जिसके जरिए आवेदन की स्थिति का पता बार बार हम चेक कर सकेंगे। अगर उम्मीदवार के पास पहले से आधार कार्ड नहीं तो जन सुविधा केंद्र आधार प्राप्त करने में भी उम्मीदवार की मदद करेगा। आधार प्राप्त करने के बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन हो सकता है। मेरे शहर में जन सुविधा केंद्र कहां पर मिलेगा? दोस्तों, अगर आपको अपने जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर का पता नहीं है कि आपका जो है कॉमन सर्विस सेंटर कहां पे है, तो वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है इस प्रकार से अपने नज़दीकी CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं कि किसके पास है, या फिर आप वहां से जो है इंटरनेट से अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर वाले BLA का फ़ोन नंबर और एड्रेस देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आधिकारिक वेबसाइट के बारे में pmais.gov.in के माध्यम से। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया में आपको बताने वाला हूँ। नंबर एक, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmais.gov.in के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके pmais.gov.in पे जा सकते हैं। नंबर दो में मैं आपको बताऊं तो वेबसाइट पर जाने के पश्चात मेनू में सिटीजन असेसमेंट के लिंक पर माउस ले जाकर किसी भी एक विकल्प को चुनें। अगर आप अभी किसी स्लम यानी गंदी बस्ती में रहते हैं तो 4 स्लम
डिवेलर्स पर क्लिक करें अथवा बेनिफिट अंडर अदर्स 3 कंपोनेटिव्स पर क्लिक करें। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वहां पे जा सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट पर जाते ही आपका जो है एक स्क्रीन दिखाई देगी, इस स्क्रीन पर आपको अपना आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा। यदि आपका आधार नंबर सही है तो आपके सामने एक फ़ोटो के समान एक आवेदन पत्र खुलेगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरनी होगी और सबसे नीचे दिए गए सबमिट यानी कि सुरक्षित के बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आधार नंबर गलत है तो आप दोबारा सही आधार नंबर भरकर कोशिश करें और यदि आपके पास आधार नंबर ही नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक दिया जाएगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप पेंसिल या पेन से नोट करके रख सकते हैं। इस आवेदन क्रमांक को कहीं भी लिख लें ताकि भविष्य में आप अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकें। अपने आवेदन की स्थिति पता करने के लिए मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपने आवेदन की स्थिति भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन स्टेप्स को पूरा करके पा सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने आप ऑनलाइन करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर 8650 44 23 66 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।